बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राइट नाउ जो है ना एक पार्किंग में खड़ा हूँ, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ ना। ये बड़े बड़े मार्ट्स और जो है ना चीज़ें देख के ना, कैरीफोर है ये और ये एम्पोरियम साथ है, लेकिन जो लतीफ़ा है वो ये है कि एक गांव में ना एक चौधरी साहब थे, तो जो है ना, अच्छा इधर ये बात मेंशन कर दूं, यहाँ कोई जात या बरादरी को टारगेट नहीं किया जा रहा, जनरल एक बस बिहेवियर के तौर पे या एक जो है ना लतीफ़े के मजाक के तौर पे बात है। उनके साथ एक मरासी का घर था, घर के साथ ना, तो जो है ना मरासी के घर से ना बहुत सारी खाने की खुशबुएं आती थी डेली बेसिस पे ना। वो शाम को चौधरी साहब आके बैठते तो मरासी के घर से, वो तो वो जो है ना कुछ वक्त गुजरा, तो वो जो उनकी मिसेस थी चौधरी साहब की, उन्होंने जो है ना चौधरी साहब से बात की कि देखें हम गांव के चौधरी हैं और पैसा शैसा है, सारा कुछ है, तो लेकिन हम उस तरह नहीं करते जिस तरह ये जो है ना मरासी के घर से खुशबूएं आती हैं खान पकवान की। तो वो चौधरी साहब उसको आगे से कहते हैं पंजाबी में, हट जाएगा वो। फिर 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर ऐसी ही बात होती है, वो फिर दोबारा यही कहती है, वो फिर कहता है हट जाएगा। फिर कुछ अर्सा गुजरता है, फिर यही बात होती है, फिर वो कहता है हट जाएगा। तो एक दिन वो चौधरी साहब ये करते हैं कि जो है ना अपने पास से ना 99 सिक्के डाल के एक थैली बनाते हैं, बनवाते हैं कपड़े की, और 99 सिक्के उसमें डालते हैं, और जो है वो जाते हुए ना थैली को बंद करके वो उसके दरवाजे के आगे सुबह फजर टाइम रखते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं और चले जाते हैं। तो वो मरासी बाहर दरवाज़ा खोलता है, देखता है कोई नहीं नज़र आता, नीचे थैली नज़र आती है, वो पकड़ता है, अंदर जाके दोनों मियाँ बीवी बैठ के गिनते हैं और वो 99 सिक्के होते हैं। अच्छा वो फिर कोई 2-4 दिन गुजरते हैं, चौधरी साहब ऐसे ही करते हैं कि वो एक थैली में 99 सिक्के डालते हैं और जो है ना उसको थैली को बंद करते हैं और सुबह फजर टाइम दरवाज़ा नॉक करते हैं और रख के तो आप खुद आके चले जाते हैं। वो फिर कुछ टाइम गुजरता है, यानी कि वो पकड़ लेते हैं, फिर कुछ टाइम 3 बार ऐसे करते हैं, 3-4 बार ऐसे करते हैं, इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। तो वो ना अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना जो है वो मरासी इन बिटवीन क्या करता है कि वो 99 वाली थैली को जब गिनता है ना तो उसमें 1 सिक्का डालता है और 100 करके रख लेता है। चौथी बार वो चौधरी साहब क्या करते हैं, 75 सिक्के डालते हैं, और 75 सिक्के डालने के बाद ना उसमें जो है ना उसको बंद करते हैं थैली को और दरवाजे पर रख देते हैं। अब वो मरासी फिर उठाता है और ले जाता है। अब वो 75 जब गिनता है, 75 सिक्के उसके पास अब यानी कि 475 सिक्के हो जाते हैं। एक एक सिक्का वो अपनी तरफ से डालता है पहले चारों थैलियों में, और इस तरह वो जो है ना 400 उसके पूरे हो जाते हैं। अब 75 सिक्के आते हैं तो 25 सिक्के रह जाते हैं, वो 25 सिक्के के चक्कर में पड़ जाता है। अब वो सिक्का सिक्का उसमें ज़ाहिर है उस वो इकट्ठे करता है, मेहनत करता है, कमाता है और उसमें डालता है, वो फिर आगे चलना होता है निज़ाम। तो इन बिटवीन वो ऐसे होता है कि वो ज़ाहिर है अब जब आप जोड़ने की तरफ जाते हैं तो जो है ना वो आप फिर अच्छा खा पी नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, या अच्छी चीज़ें उस तरह नहीं कर पाते, एक्सपेंस नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप तो कलेक्शन के चक्कर में पड़ गए हैं या उसको जमा करने के चक्कर में पड़ गए। तो इन दैट टाइम वो मरासी के घर से खुशबू में आना बंद हो जाती हैं। तो वो एक दिन चौधरी साहब बैठे होते हैं सेन में, तो वो उनकी मिसेस पूछती हैं कि ए की कीता जे इन्हों की क्या जे इन्हों डराया टमकाया जे की कीता जे, तो खुशबू आनिया बंद हो गई हैं। वो आगे से कहता है बस जिन्होंने 99 तो 100 का चक्कर पै जाता है ना उनका यही हाल हों। तो बात यह है कि ये एक्सपो मैंने देखी चीज़ें कुछ समझी, ये जस्ट फॉर फन था, इसको यहीं छोड़ते हैं इस बात को। तो 99 तो 100 का चक्कर है, तो यहाँ बड़े शहरों में तो अब कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया काम, अब यहाँ के जितने चौधरी हैं वो मरासियों वाली हरकतें उतर आए हैं, 99 से 100 के चक्कर में पड़ गए हैं, और जो है ना बाकी चीज़ें आप खुद ही एनालाइज कर लें। सामने